वृंदावन के बाजार लड्डू गोपाल से गुजार। लड्डू गोपाल की सर्दी वाली पोशाक बाजारों में छाई। सर्दियों में ठंड का एहसास सिर्फ इंसानों को ही नहीं भगवान को भी होने लगता है। जिस तरह हम सभी ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेते हैं, ठीक उसी तरह श्रद्धालु अपने लाडले ठाकुर जी को भी ठंड से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र धारण कराते हैं। इसी आस्था भाव के चलते मथुरा वृंदावन में आजकल बाहर से आने वाले भक्त अपने प्यारे लड्डू गोपाल के लिए ऊनी और गर्म पोशाकों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सर्दियों का मौसम चालू हो गया है, ठाकुर जी की नई नई डिजाइन की पोशाक आई हैं। जैसे ये देखो नाइट सूट है ठाकुर जी का, उनकी ऊन में बना हुआ, और ऐसे ही करीब सलीन की पोशाकें हैं, ऊन की पोशाकें हैं बड़ी बड़ी और छोटे साइज में, बड़े साइज में, जैसे 10 नंबर के गोपाल जी होते हैं, 12 नंबर के, सभी साइजों में पोशाकें आती हैं। और इनकी रेंज भी ज़्यादा नहीं होती, 30, 40, 50, 100, 150 इस तरह की रेंज में साइज के अकॉर्डिंग ये सारी पोशाकें आई हैं। और ऊन में और कम्बल होते हैं ठाकुर जी के उड़ाने के लिए, बिछाने के लिए, और बड़ी छोटी शॉलें हैं ठाकुर जी को उड़ाने के लिए। और सर्दियों में नाइट सूट और नई नई चीज़ें हैं, जाकेट, कोट पैंट, ये सारी चीज़ें ठाकुर जी के लिए आई हुई हैं। हर साल की तरह सर्दी की जो पोशाकें आती हैं वेलवेट में आती हैं, बुनाई वाली पोशाकें रहती हैं जो कि तरह तरह की ऊनों की आती है, और आजकल ऊनों के ऊपर भी फैंसी वर्क का पोशाकें बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो वही है जो गर्म सर्दियों की सारी पोशाकें हैं ऊन वगैरह की सब मार्केट में आई हुई हैं। इस बार पहले के मुकाबले रेट में भी कमी आई है, अब आप 30 रुपए में भी लड्डू गोपाल के कपड़े खरीद सकते हैं। समाचार 24 के लिए वृंदावन से सतपाल सिंह की रिपोर्ट।